सो आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी हम चैप्टर कर रहे थे। इसमें लास्ट हमने यहाँ पढ़ा था, ये कार्टून के बारे में पढ़ा था कि जो एक कंट्री में कैसे डिस्पैरिटीज होती हैं, जो रिच हैं उनके पास बहुत, मतलब कुछ लोग हैं जिनको हम रिच बोलते हैं, उनके पास बहुत सारी पैसा है, बहुत सारा पावर है, एंड कुछ बीच के हैं, मिडिल क्लास लोग हैं जो अपना गुजारा ही कर रहे हैं, एंड कुछ पुअर कैटेगरी के लोग हैं जिनके पास बेसिक नेसेसिटीज भी नहीं है। ठीक है, तो लास्ट हमने ये पढ़ा था। देन आ जाते हैं इकोनॉमिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के इकोनॉमिक आउटकम्स। So arguments about democracy tend to be very passionate. This is how it should be, for democracy appeals to some of our deep values. तो जब भी आर्ग्यूमेंट करते हैं कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो हर कोई बहुत ही पैशनेटली इसमें हिस्सा लेता है, बिकॉज डेमोक्रेसी जो है एक वैल्यूज के साथ रिलेटेड है, इसीलिए डेमोक्रेसी भी बनी, क्योंकि वैल्यूज से रिलेटेड है ये। द डिबेट्स कैन नॉट बी रिजॉल्व्ड इन अ सिंपल मैनर, but some debates about democracy can and should be resolved by referring to some facts and figures. kai baar debate itni badi ho jati hai ki uska kai result nahi nikal pata, but agar democracy ke liye debate karni hai aur koi result nikalna hai to kuch facts and figures ke upar baat karni chahiye. jaise the debate about economic outcomes of democracy is one such debate. जब भी डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं, उसके आउटकम्स के बारे में कि डेमोक्रेसी होने से क्या रिजल्ट निकलता है, तो उसका एक एस्पेक्ट इकोनॉमिक आउटकम भी है, तो इकोनॉमिक आउटकम के बारे में बात करनी चाहिए। ओवर द इयर्स मेनी स्टूडेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी हैव गैदर्ड केयरफुल एविडेंस टू सी व्हाट द रिलेशनशिप ऑफ डेमोक्रेसी विद द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज इज। अब कुछ बच्चों ने एक डेटा कलेक्ट किया है और उन्होंने देखा है कि डेमोक्रेसी होने से इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज पे क्या असर पड़ता है। यहाँ पे नीचे कुछ डेटा है, ये टेबल वन में कुछ डेटा है, टेबल टू में कुछ डेटा है। टेबल वन में देखिए रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, और यहाँ पे दे रखा है कि कुछ ऐसी कंट्रीज जो कि डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग चल रही थी, तो वहाँ पे 3.95 ग्रोथ चल रहा है, कुछ जो डिक्टेटरशिप के अकॉर्डिंग चल रही थी, कुछ पुअर कंट्रीज थी जो कि डिक्टेटरशिप के अंडर रह रही थी, और कुछ पुअर कंट्रीज थी जो कि डेमोक्रेसी के अंडर रह रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ आप देख सकते हो कि डेमोक्रेसी में कम चल रहा है, डिक्टेटरशिप में ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। यहाँ पे जो गरीब कंट्रीज है, अगर वो डिक्टेटरशिप के अंडर चलती हैं तो उनमें ज्यादा हो रही है, और जो पुअर कंट्रीज हैं जो डेमोक्रेसी के अंडर चल रही है उनमें कम ग्रोथ हो रही है। तो ये टेबल दिखा रहा है। टेबल टू में देखिए इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, इनइक्वालिटी बता रही है, जैसे कि जो नेशनल इनकम होती है पूरे देश की इनकम, उसमें टॉप 20% में, अगर जैसे हम साउथ अफ्रीका की बात करें तो 64.8 लोग आते हैं टॉप 20% में, और बॉटम 20% में सिर्फ 2.9 लोग आते हैं। ऐसी अगर जैसे मैं यूएसए की बात करूं तो 50% लोग जो हैं वो टॉप 20% इनकम कैटेगरी में आते हैं, और सिर्फ 4% है जो बॉटम 20% इनकम कैटेगरी में आते हैं। तो इस तरीके से ये डेटा जो है वो इकट्ठा किया गया। तो यहाँ पे टेबल वन शोज एन एवरेज डिक्टेटोरियल रिजीम्स हैव हैड अ स्लाइटली बेटर रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। हमने टेबल वन में देखा ना कि जो कंट्रीज डिक्टेटरशिप के अंडर रह रही हैं उनकी स्लाइटली बेटर इकोनॉमी ग्रो हो रही है, जैसे यहाँ पे 4.42 चल रही है, वैसे कितनी डेमोक्रेसी में 3.95 है, बहुत बड़ा गैप नहीं है बट स्लाइटली बेटर है। यहाँ पे जो गरीब कंट्रीज डिक्टेटरशिप के अंडर चल रही थी उनकी 4.34 ग्रोथ हो रही है, जो डेमोक्रेसी में चल रही थी उनकी कम हो रही है। तो फर्स्ट टेबल ये शो करता है, एंड जो सेकेंड टेबल है वो शो करता है दैट विद इन डेमोक्रेसीज देयर कैन बी वेरी हाई डिग्री ऑफ इनइक्वालिटी। कि अगर हम डेमोक्रेसी की ही बात करते हैं, ये जो कंट्रीज हैं डेमोक्रेसी में चल रही हैं, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा, भेदभाव बहुत ज़्यादा है। डेमोक्रेटिक कंट्रीज लाइक साउथ अफ्रीका एंड ब्राजील, द टॉप 20% पीपल टेक अवे मोर देन 60% ऑफ द नेशनल इनकम। साउथ अफ्रीका एंड ब्राजील में देखो टॉप 20% जो लोग हैं वो मोर देन 60% नेशनल इनकम ले लेते हैं, और यहाँ पे लीविंग लेस देन 3% फॉर द बॉटम 20% ऑफ पॉपुलेशन, और जो बॉटम 20% ऑफ पॉपुलेशन है उसमें लेस देन 3% ही रह जाती है इनकम। सो कंट्रीज लाइक डेनमार्क एंड हंगरी आर बेटर इन दिस रिस्पेक्ट, और डेनमार्क एंड हंगरी की बात करें तो यहाँ
बाकियों के कंपैरेटिवली वो बॉटम 20 के लिए थोड़ी ज्यादा इनकम छोड़ रहे हैं, बट अगर साउथ अफ्रीका, ब्राजील इन लोगों की बात करें तो ये बॉटम 20 के लिए तो कितनी कम कम इनकम छोड़ रहे हैं, और टॉप 20% जो है वो इतनी ज्यादा इनकम जो है वो जनरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे यू कैन सी इन द कार्टून देयर इज ऑफन इनइक्वालिटीज ऑफ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू द पुअर सेक्शन। और यहाँ पे कार्टून भी दे रखा है, ये कार्टून की हेडिंग है पुअर किड्स। तो पुअर किड्स के बारे में यहाँ पे दे रखा है, देखिए ये गरीब सा बच्चा है, कैसे नीचे गिरा पड़ा है, शक्ल भी बेचारी वाली है इसकी। और यहाँ पे वो बोल रहा है, माई गुडनेस लिटिल फेला, हाउ फार डिड यू फॉल डाउन, मतलब तुम कितना नीचे गिरे हो। तो यहाँ पे देखो सीढ़ियां बना रखी है कि एक गरीब आदमी कितना नीचे गिरा है। वो हाउसिंग भी उसको नहीं मिला, उसको हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी नहीं मिली, उसको स्कूलिंग भी नहीं मिली, ऊपर से भूखा भी है बेचारा, तो इतना नीचे वो गिरा हुआ है। तो यहाँ पे एक इनइक्वालिटी दिखाई जा रही है कि कैसे एक डेमोक्रेसी में सबको एक जैसा नहीं मिलता। तो ये भी एक इकोनॉमिक आउटकम है डेमोक्रेसी की, एक इकोनॉमी का रिजल्ट है डेमोक्रेसी का, कि इकोनॉमी एस्पेक्ट से देखें तो डेमोक्रेसी उतनी भी अच्छी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। अब हमने बात की डेमोक्रेसी के बुरे पॉइंट्स पे, तो हमने देखा कि इनइक्वालिटी भी होती है। तो अब इनइक्वालिटी होती है, गरीबी होती है, पॉवर्टी होती है, तो उसको रिडक्शन कैसे की जाती है, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। परहैप्स मोर देन डेवलपमेंट इट इज रीजनेबल टू एक्सपेक्ट डेमोक्रेसीज टू रिड्यूस इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। मतलब शायद लोग ये चाहते हैं कि डेवलपमेंट चाहे इतनी ना हो, बट एटलीस्ट लोगों के बीच में पैसों का इतना गैप ना हो, ये लोग डेमोक्रेसी से चाहते हैं। इवन व्हेन अ कंट्री अचीव्स इकोनॉमिक ग्रोथ विल वेल्थ बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच अ वे दैट ऑल द सिटीजंस ऑफ द कंट्री विल हैव अ शेयर एंड लीड अ बेटर लाइफ। मतलब अगर जो कंट्री है वो इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव भी कर ले, कोई भी कंट्री जिसकी इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है, क्या फिर भी ऐसा होगा कि सब सिटीजंस अच्छी और एक जैसी बढ़िया लाइफ जी रहे हैं? क्या ये गारंटी है? Is economic growth in democracies accompanied by the increased inequalities among the people? तो क्या हम ये कह सकते हैं इससे पहले तो ये अच्छी ग्रोथ होगी या नहीं, सभी की एक जैसी? ये तो हमने देख लिया कि सभी की एक जैसी ग्रोथ नहीं होती है डेमोक्रेसी में, वेल्थ एक जैसी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती है। तो इससे कह सकते हैं कि अगर डेमोक्रेसी में इकोनॉमिक ग्रोथ आती है तो उसके साथ साथ इनइक्वालिटी भी आ जाती है लोगों में, क्योंकि कुछ लोग हैं जो बहुत सारा पैसा लेके बैठे हैं और कुछ लोग हैं जिनको बेसिक नेसेसिटी भी नहीं मिल रही है। तो इनइक्वालिटी तो आई डेमोक्रेसी के साथ। और डू डेमोक्रेसी लीड टू जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड अपॉर्चुनिटीज, या फिर हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी से सिर्फ इतना होता है कि गुड्स एंड अपॉर्चुनिटी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, बस इतना ही डेमोक्रेसी से हो सकता है। तो यहाँ पे उसी चीजों के आंसर है। यहाँ पे देखिए नीचे एक कार्टून से भी डिपिक्ट किया गया है, और कार्टून की हेडिंग है वॉइस ऑफ द पुअर। आप देख रहे हो कि इतना बड़ा इंसान, कैसे उसके कपड़े बेचारे कहाँ कहाँ से फटे हुए हैं, और उसको सिलाई कर करके उसके कपड़े इस तरह से पहने हुए हैं, एंड वॉइस ऑफ द पुअर को डिपिक्ट कर रहा है और उसका मुंह ही बंद कर रखा है। तो ये वो दिखा रहे हैं डेमोक्रेसी में कि गरीब आदमी की कोई आवाज ही नहीं है, उसका मुंह ही बंद कर रखा है, इसलिए वॉइस ऑफ पुअर को डिपिक्ट कर रहा है। सो डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी, ऑल इंडिविजुअल्स हैव इक्वल वेट इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स। सो डेमोक्रेसी की बात करें तो बेसिकली यहाँ पे पॉलिटिकल इक्वालिटी एक बेस की तरह लिया जाता है, जैसे कि जो भी हमने रिप्रेजेंटेटिव अपना इलेक्ट करना है, जो भी हमने चूज करना है, तो हर एक सिटीजन को राइट है कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज कर सके। Parallel to process of bringing individuals into political arena on an equal footing, we find growing economic inequalities. So, एक तरफ जहां हम सभी लोगों को लेके आ रहे हैं कि तुम पॉलिटिक्स में आ सकते हो, कोई भी खड़ा हो सकता है और कोई भी किसी को इलेक्ट कर सकता है, उसी के पैरेलल दूसरी तरफ क्या चल रहा है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज चल रही हैं। A small number of ultra rich people enjoy a highly disproportionate share of wealth and incomes. होता क्या है, एक देश में जहां पे डेमोक्रेसी चल रही है, कुछ लोग हैं, जैसे कहते हैं ना नॉर्मल रूल होता है कि दे पूरे कंट्री में या पूरे वर्ल्ड के लिए भी ये रूल होता है, ऐसे 90-10 का चल रहा है। 90% जो पूरे वर्ल्ड में, अगर एक कंट्री का भी बात करते हैं, 90% इनकम
एक कंट्री की सिर्फ 10% लोगों के हाथ में होती है, और जो 10% इनकम होती है एक कंट्री की, वो 90% लोगों के हाथ में होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड। ये डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। मतलब 90% इनकम सिर्फ 10% लोग लेके बैठे हैं, जो बाकी 10% इनकम बची है ना, वो 90% लोगों में बटी हुई है। ये कहते हैं इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, कि कुछ जो अल्ट्रा रिच लोग होते हैं, जैसे इंडिया में हम अंबानी को बोलते हैं, उनके पास 90% शेयर ऑफ इनकम है, वो डिस्प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ वेल्थ ले रहे हैं। मतलब ऐसा जो कि इक्वल नहीं है, जो एक फेयर शेयर नहीं है, वो बहुत ज्यादा शेयर लेके बैठे हैं। तो ये डेमोक्रेसी में होता है। नॉट ओनली दैट, देयर शेयर इन द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री हैज बीन इंक्रीजिंग, दोज एट द बॉटम ऑफ द सोसाइटी हैव वेरी लिटिल टू डिपेंड ऑन। अब जो बॉटम में रह रहे हैं सोसाइटी में, क्योंकि बड़ा शेयर तो अल्ट्रा रिच पीपल लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पे उनका ऐसा भी नहीं हो रहा कि उनकी टोटल इनकम ऑफ द कंट्री में उनका शेयर बढ़ रहा हो। यहाँ पे बॉटम के जो लोग हैं उनके पास तो बहुत ही कम इनकम है। बॉटम के लोग मतलब वो जो 10% इनकम पे 90% लोग जी रहे हैं, सो कितनी कम इनकम है जिसपे वो डिपेंड कर रहे हैं। देयर इनकम्स हैव बीन डिक्लाइनिंग, और गरीब की जो इनकम है वो डे बाई डे कम होती जा रही है, अमीर की इनकम डे बाई डे बढ़ती जा रही है, गैप बहुत बढ़ रहा है। Sometimes they find it difficult to meet their basic needs of life such as food, clothes, house, education, health. इतनी ज़्यादा differences हैं गरीब और अमीर में कि जो गरीब लोग हैं उनको basic needs ही नहीं मिल रही है। Food, clothing, house, education, health, ये जो basic needs हैं वो भी नहीं मिल रही हैं। आप देख सकोगे, जैसे हम अभी example लेते हैं, आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि अब्रॉड शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे, या उनकी इच्छा है कि वो अब्रॉड शिफ्ट कर लेंगे। आपके साथ के जो बच्चे भी होंगे, बहुत सारे आपके साथ बात करते होंगे कि हम 12th के बाद अब्रॉड शिफ्ट कर जाएंगे, या कुछ लोग 10th के बाद शिफ्ट कर जाएंगे, या फिर कुछ लोग ग्रेजुएशन के बाद कर जाएंगे। तो अगर आप उनसे मेन रीज़न पूछे कि क्यों करेंगे, तो क्या प्रॉब्लम चल रही है, कि वही जो यहाँ पे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं, कि जो कुछ लोग हैं उनको बेसिक नीड्स भी नहीं मिल रही हैं। आप अब्रॉड में जाएंगे कहीं पे भी, तो वहाँ पे जॉब्स मिलती हैं आपको, आपके आर्ली बेसिस के अकॉर्डिंग आपको इनकम भी मिल जाती है। वहाँ पे एक परफेक्ट सेट ऑफ आवर्स है जो हर एक इंसान काम करता है, लाइक 8 आवर्स हर एक इंसान काम करता है, उसको 8 आवर्स के अकॉर्डिंग पैसे भी मिलते हैं, और अगर ओवर टाइम करता है तो ओवर टाइम के भी पैसे मिलते हैं। बट इंडिया में ऐसा केस नहीं है। आपके पेरेंट्स को ही देख लीजिए जो वर्किंग है, अगर वो एक्स्ट्रा टाइम भी लगा के आते हैं तो कई बार लेट हो जाता है, अगर बॉस बोल दे एक्स्ट्रा लगाना है तो उनको लगाना पड़ता है। वो ऐसे नहीं बोलते हैं कि आज आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा लगाना पड़ रहा है तो चलिए 1 घंटे की आपको एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी, बिकॉज यू आर यू नो गिविंग एक्स्ट्रा टाइम। ऐसा नहीं होता है। बहुत ही कम कंपनीज हैं इंडिया में जो ये काम करती हैं, अदरवाइज ऐसे ही चलता है कि ठीक है आप आज 2 घंटे एक्स्ट्रा लगा लीजिए, आज काम ज़्यादा हो गया, आप बैठ जाइए। तो यहाँ पे जो बेसिक नीड है, आप काम एक्स्ट्रा कर रहे हो बट पैसे नहीं मिल रहे। यहाँ पे हर एक के पास अपना घर नहीं है, एजुकेशन इंडिया में इतनी ज़्यादा महंगी है, आपको हेल्थ फैसिलिटीज लेनी है वो इतनी ज़्यादा महंगी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें अब्रॉड में एक हर एक सिटीजन को वो लोग देते हैं। वो उनको ये नहीं बनाते कि ये लग्जरीज हैं, ये जो बेसिक नीड्स हैं वो बेसिक नीड की तरह देते हैं। वहाँ पे हेल्थ के लिए भी आपके बहुत सारे फैसिलिटीज़ हैं, आपको हेल्थ वाली बहुत सारी सर्विसेज आपको फ्री मिलती हैं अगर आप वहाँ के सिटीज़न हो। कई देशों में 10th तक 12th तक एजुकेशन फ्री होती है, कईयों में 8th तक एजुकेशन फ्री होती है, कईयों में ग्रेजुएशन के बाद भी आप पढ़ते रहो, जितना भी पढ़ते रहो एजुकेशन फ्री है। ठीक है, हाउसिंग, क्लोथिंग, इसमें इतना कोई इशू नहीं है कि आपको स्ट्रगल करना पड़े, बट इंडिया में स्ट्रगल करना पड़ता है आपको बेसिक नीड्स के लिए। तो यहाँ पे ये मैं एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ कि आप इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को समझ सको, कि डेमोक्रेसी तो देखो बहुत सारे कंट्रीज में चल रही है, बट कौन किस तरीके से उसको एक्सरसाइज करता है उस हिसाब से डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की फैसिलिटी और लाइफ इंजॉय करते हो। डेमोक्रेसी यहाँ पे भी है, फॉरेन कंट्रीज में भी होती है बहुत सारी, बट अगर आप देखेंगे वहाँ के लोग बेटर वे ऑफ लाइफ इंजॉय कर रहे हैं, यहाँ के नहीं कर रहे हैं, बिकॉज वहाँ के लोगों को बेसिक नीड्स के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे वही हम बात करते हैं आगे।
इन एक्चुअल लाइफ डेमोक्रेसीज डू नॉट अपीयर टू बी वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। तो एक्चुअल लाइफ की बात करें तो डेमोक्रेसी इतनी सक्सेसफुल नहीं है कि ये भेदभाव जो है इकोनॉमी का वो हटा सके। इन क्लास 9 यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट पॉवर्टी इन इंडिया। 9th में आप पॉवर्टी के बारे में पढ़ चुके हो कि इंडिया में पॉवर्टी का क्या सिनेरियो चल रहा है। The poor constitute a large proportion of our voters and no party will like to lose their votes. यहाँ पे इंडिया में जब भी वोटिंग होती है, आप कहीं पर भी किसी भी वोटिंग बूथ में जाइए तो आपको गरीब लोग बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में दिखेंगे। जो गाँव से वोटिंग होती है वो बहुत ज़्यादा वोटिंग होती है और इतनी लार्ज प्रोपोर्शन में होती है और कोई भी पार्टी नहीं चाहती कि इन गरीब लोगों की वोट वो लूज करते। ये गरीब लोग वोट बहुत करते हैं। Yet democratically elected governments do not appear to be as keen to address the question of poverty as you would expect them to. अब जब इतने गरीब लोग उनको वोटिंग में इतना योगदान देते हैं, फिर भी जो ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स होती है ये इन्हीं गरीब लोगों की प्रॉब्लम्स को क्यों नहीं सुनती हैं? इनको सिर्फ यूज ही क्यों करती है वोटिंग के लिए, इनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस क्यों नहीं करती हैं? The situation is much worse in some other countries. कुछ countries में बहुत ज़्यादा worse situation है, जैसे कि in Bangladesh, more than half of its population lives in poverty. Half से भी ज़्यादा population सोचो poverty में जी रही है Bangladesh में. People in several poor countries are now dependent on rich countries even for food supplies. कुछ countries तो ऐसी हैं जो कि खाने के लिए भी दूसरी country पे dependent है, जैसे India खाने के लिए self-sufficient है, बाहर से ना भी आए तो हम अपने आप को खिला सकते हैं, अपनी पॉपुलेशन को खिला सकते हैं। बस कुछ कंट्रीज तो ऐसी हैं कि उनको खाना भी बाहर से इंपोर्ट करवाना पड़ता है, इतनी भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं। ठीक है, यहाँ पे नीचे देखिए आपको फिर से एक कार्टून दे रखा है, वर्ल्ड्स वेल्थ ओन्ड बाय अ फ्यू, जो मैंने आपको बताया था कि कुछ लोगों के पास कुछ इनकम होती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 50% इनकम, ठीक है, ये दे रखा है, वो एक इतना सा स्लाइस लेके बैठा है। और यहाँ पे ये 2% जो लोग हैं, 50% लोग सॉरी इतना सा स्लाइस लेके बैठे हैं वीजा का, और 2% लोग इतना बड़ा स्लाइस लेके बैठे हैं। यानी 2% लोगों के पास इतनी सारी इनकम है और 50% के पास सिर्फ इतना सा है। ठीक है, तो ये शेयर बता रहा है कि किस तरीके से हमारे वर्ल्ड में पैसे की डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है। नेक्स्ट इज अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। Do democracies lead to peaceful and harmonious life among citizens? अब हमने देख लिया economy का तो देख लिया, पैसे वाइज तो देख लिया, अब बात करते हैं democracy के और aspect पे कि क्या democracy होने से सब लोग शांति से अच्छे से जी पाते हैं, क्या ऐसा कुछ होता है democracy का result? It will be a fair expectation that democracy should produce a harmonious social life. देखो डेमोक्रेसी कर रहे हैं, सब लोगों को बोलने का हक दिया जा रहा है, तो यहाँ पे एक हम ये अजम्पशन कर लेते हैं कि डेमोक्रेसी से एक आरामदायक सब लोग मिलजुल के लाइफ जी सकते हैं। ये हम अजम्पशन कर लेते हैं, एक्सपेक्ट कर लेते हैं। वी हैव सीन इन द अर्लियर चैप्टर हाउ डेमोक्रेसीज अकोमोडेट वेरियस सोशल डिविजन्स। हमने पहले भी वो बेल्जियम श्रीलंका वाला जो चैप्टर था उसमें पढ़ा था कि कैसे बहुत तरीके के लोगों को एक देश में रखा जा सकता है। We saw in the first chapter how Belgium has successfully negotiated differences between ethnic population. जो हम बेल्जियम का केस पढ़ रहे थे, डच एंड फ्रेंच लोगों के बीच में जो इतना ज़्यादा differences चल रहे थे, but फिर भी बेल्जियम ने उन differences को ख़त्म करके डच एंड फ्रेंच लोगों को एक ही देश में रखा। तो हमने देखा है कि जो डेमोक्रेसी है उससे differences ख़त्म होते हैं। Democracies usually develop a procedure to conduct their competition. This reduces the possibility of these tensions becoming explosive or violent. क्योंकि डेमोक्रेसी में बहुत सारे चीज़ें होती हैं जिससे हम देख लेते हैं कि अगर लोगों में भेदभाव हो रहे हैं तो हम उसको किस तरीके से हैंडल कर सकें, ताकि वो भेदभाव एकदम वॉर में ना टर्न हो जाए, लोग एकदम वॉयलेंट ना हो जाएं, तो डेमोक्रेसी में हम ये कर सकते हैं जो कि मोनार्की में नहीं कर सकते। No society can fully or permanently resolve conflicts among different groups. But एक aspect ये भी है कि अगर हम कहें democracy में सब लोग ही सबकी problems ही solve हो रही हैं, सब लोग ही खुशी से रह रहे हैं, किसी को किसी से कोई भेदभाव नहीं है, कोई conflict नहीं है, ऐसा नहीं होता। कोई भी society में fully conflict कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते। But we can certainly learn to respect these differences and we can also evolve mechanism to negotiate the differences.
बट चाहे फुली खत्म नहीं हो सकते, पर हम एक रास्ता ढूंढ सकते हैं कि कैसे हम दूसरे के डिफरेंसेस को भी रिस्पेक्ट करें और कैसे हम डिफरेंसेस को कम करने की कोशिश करें। डेमोक्रेसी इज बेस्ट सूटेड टू प्रोड्यूस दिस आउटकम। तो इसी आउटकम को, जो डिफरेंसेस दूर करने वाली आउटकम है, इसके लिए डेमोक्रेसी एक बहुत अच्छा मेथड है। मोनार्की में डिफरेंसेस दूर नहीं हो सकते, बट डेमोक्रेसी में दूर हो सकते हैं। नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स ऑफन टर्न अ ब्लाइंड आई और टू सप्रेस इंटरनल सोशल डिफरेंसेस। जैसे मैंने बोला मोनार्की में, तो जो नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स हैं वो तो एकदम आंख ही बंद कर लेती हैं और लोगों को दबाना शुरू कर देती हैं, रादर देन कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करें, उनकी डिफरेंसेस दूर करें। नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम में तो ये चीज हो ही नहीं सकती, बट डेमोक्रेसी में ये हम जो सोशल डिफरेंसेस हैं वो दूर कर सकते हैं। अबिलिटी टू हैंडल सोशल डिफरेंसेस, डिविजंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स इज दस अ डेफिनेट प्लस पॉइंट ऑफ डेमोक्रेटिक रिजीम्स। तो हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी का एक प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे सोशल डिफरेंसेस दूर हो सकते हैं। But the example of Sri Lanka reminds us that a democracy must fulfill two conditions in order to achieve this outcome. जैसे हमने बात की कि बेल्जियम एंड श्रीलंका का हमने पढ़ा था, तो बेल्जियम ने तो इजीली अपने लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट दूर कर दिए थे, बट श्रीलंका में तो सिविल वॉर छिड़ गई थी। तो यहाँ पे हम अगर श्रीलंका की बात करें तो उससे हमें दो चीज़ें याद आती हैं कि दो चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए एक डेमोक्रेसी में ताकि सोशल जो डिफरेंसेज हैं वो दूर रहे। पहली चीज़ क्या होनी चाहिए? It is necessary to understand that democracy is not simply ruled by majority opinion. जैसे श्रीलंका में हुआ था, majority लोग वहाँ पे सिंहला थे, तो वहाँ पे सिंहला ही रूल कर रहे थे। तो यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि democracy का मतलब ये नहीं है कि majority लोग रूल करेंगे। majority always need to work with the minority so that government function to represent a general view. Majority and minority opinions are not परमानेंट। यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि मेजॉरिटी है, एग्जिस्ट करती है, पहले तो मेजॉरिटी से ही डेमोक्रेसी नहीं चलेगी, ये समझ में आना चाहिए। दूसरा, मेजॉरिटी को हमेशा माइनॉरिटी के साथ मिलके काम करना चाहिए, माइनॉरिटी की नीड भी समझनी चाहिए। जैसे इंडिया में अगर हिंदूज मेजॉरिटी में है, मुस्लिम्स माइनॉरिटी में है, तो मुस्लिम्स के लिए भी लॉज बन रखे हैं, उनके लिए भी उनके राइट्स बन रखे हैं। तो मेजॉरिटी को माइनॉरिटी के साथ मिलके काम करना चाहिए ताकि सबके लिए एक जनरल व्यू बन सके। दोनों के जो ओपिनियंस हैं वो परमानेंट नहीं है, हमको मिलके काम करना है। सेकेंड चीज जो हमें श्रीलंका से एक लेसन लेना चाहिए, इट इज ऑल्सो नेसेसरी दैट द रूल बाय मेजॉरिटी डज नॉट बिकम रूल बाय मेजॉरिटी कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन और रेस और लिंग्विस्टिक ग्रुप। दूसरा लेसन ये, जैसे श्रीलंका में सिन्हला लोग रूल कर रहे थे तो वहां पे सिन्हला ही ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी गई। तो एक हमें मेजॉरिटी से, हमें मेजॉरिटी का रिलीजन भी अडेप्ट करना पड़े या मेजॉरिटी की लैंग्वेज भी अडॉप्ट करनी पड़े, तो ये नहीं कंपल्शन होनी चाहिए। मेजॉरिटी है बट उनका रिलीजन, उनकी लैंग्वेज, उनका कल्चर सभी को ही अडॉप्ट करना पड़े, ये ज़रूरी नहीं होना चाहिए एक डेमोक्रेसी में, जैसे श्रीलंका में हुआ था। रूल बाय मेजॉरिटी मीन्स दैट इन केस ऑफ एवरी डिसीजन और इन केस ऑफ एवरी इलेक्शन डिफरेंट पर्सन्स और ग्रुप्स may and can form a majority. Majority का basically rule क्या है, क्या होना चाहिए कि जब भी कोई decision होता है या कभी election होती है तो कुछ लोग मिलके एक group बना सकते हैं और उस group को एक majority कहा जा सकता है। Democracy remains democracy only as long as every citizen has a chance of being in the majority at some point of time. डेमोक्रेसी का कुछ मतलब ही नहीं रहेगा अगर एक ग्रुप ही अपनी मनमानी करता रहेगा, तो वहां पे डेमोक्रेसी का क्या मतलब होगा? डेमोक्रेसी मीन्स हर एक इंसान अपने हक के लिए बोल सकता है। तो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि डेमोक्रेसी तब तक ही डेमोक्रेसी रहती है जब तक हर एक इंसान को डेमोक्रेसी मेजॉरिटी का पार्ट बनने का मौका मिले किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे। जैसे अगर हिंदूज की बात सुनी जाती है तो मुस्लिम्स की भी सुनी जाए, तो क्रिश्चियंस की भी सुनी जाए, तो जैन्स की भी सुनी जाए, हर किसी की सुनी जाए। तो हर किसी को एक मेजॉरिटी का हिस्सा बनने का मौका मिले तब डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी रहती है। इफ समवन इज बार्ड फ्रॉम बीइंग इन द मेजॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ देन डेमोक्रेटिक रूल सीजेस टू अकोमोडेट फॉर दैट पर्सन और ग्रुप। अगर हम ये कह देते हैं कि तुम तो मुस्लिम पैदा हुए हो इसलिए हिंदू मेजॉरिटी कंट्री में तुम्हें कोई हक नहीं है बोलने का क्योंकि तुम मुस्लिम पैदा हुए हो,
तो यहाँ पे डेमोक्रेसी तो खत्म ही हो गई, डेमोक्रेसी यानी उस इंसान के लिए या उस कम्युनिटी के लिए तो खत्म ही हो गई, तो ऐसी डेमोक्रेसी का कोई फायदा नहीं है। तो जो हमने अभी ये टॉपिक पढ़ा कि सोशल डाइवर्सिटीज को अकोमोडेट करना, तो यहाँ पे हमने सीखा कि अगर सोशल डिफरेंसेस को खत्म करना है तो सिर्फ हम डेमोक्रेसी से ही खत्म कर सकते हैं। और दूसरा हमने यहाँ पे श्रीलंका से दो लेसन लिए। पहला लेसन ये लिया कि मेजॉरिटी का मतलब ये नहीं कि डेमोक्रेसी ही मेजॉरिटी से चलेगी, बल्कि मेजॉरिटी लोगों को माइनॉरिटी के साथ मिलके काम करना चाहिए ताकि उनकी मांगे भी सुनी जाए। दूसरा हमने ये पढ़ा कि मेजॉरिटी कम्युनिटी का मतलब ये नहीं कि उनके रिलीजन को भी, उनके लैंग्वेज को भी, उनके कल्चर को भी हमें एक्सेप्ट करना पड़े, बल्कि मेजॉरिटी का मतलब ये है कि जब कभी डिसीजन की बात आए, जब कभी इलेक्शन की बात आए, तो तुम एक ग्रुप बना सकते हो और हर एक को मेजॉरिटी का पार्ट बनने का किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मौका मिले। और अगर तुम किसी को बार्ड कर देते हो, बैन ही कर देते हो कि तुम तो एक पर्टिकुलर चीज़ में पैदा हुए हो, चाहे मुस्लिम में चाहे हिंदू में, इसलिए तुम इस चीज़ में पार्ट नहीं ले सकते हो, अगर तुम बैन ही कर देते हो, बार्ड कर देते हो, वहाँ पे डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपके पास ये दे रखे हैं, अगेन कार्टून दे रखे हैं। द टू इमेजेस डिपिक्ट टू डिफरेंट काइंड ऑफ इफेक्टिव डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स कैन हैव ऑन द सोशल डिविजन। दो अलग अलग इमेजेस दे रखी हैं और यहाँ पे बता रखा है कि डेमोक्रेसी जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स होती है उसका कैसे दो डिफरेंट तरीके से असर हो सकता है। टेक वन एग्जाम्पल फॉर ईच इमेज या एंड राइट अ पैराग्राफ। ये पैराग्राफ तो आपको नहीं करना है, यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए। यहाँ पे जो फर्स्ट इमेज दे रखी है, आप देख रहे हो बीच में से बांट दिया लोगों को और इधर से ये मारने की कोशिश कर रहा है, इधर से ये मारने की कोशिश कर रहा है। एक तो डेमोक्रेसी ऐसे चल सकती है जहाँ पे मेजोरिटी लोगों को ज्यादा मौका दे दिया जाए ना, तो फिर वो अपना थोपते हैं, तो माइनॉरिटी भी रिवोल्ट करती है। तो यहाँ पे है कि डेमोक्रेसी से बांट ही दिया लोगों को, तो दोनों एक दूसरे को मारने की कोशिश करेंगे, दबाने की कोशिश करेंगे। बट दूसरा वे क्या है, ग्रीटिंग, कि हम डेमोक्रेसी में है तो हम दो लोगों को मिलाए। कुछ चीजें यहाँ पे देख रहे हो, ब्लैक का कुछ पोर्शन व्हाइट में जा रहा है, इधर व्हाइट में ब्लैक जा रहा है, यानी कि कुछ बातें हम इनकी माने, कुछ बातें हम इनकी माने, एक कॉमन पॉइंट पे आ जाए तो ये मिलके रहने वाली कंडीशन हो जाएगी। बट अगर बांटेंगे तो दोनों एक दूसरे को मारेंगे, दबाएंगे। ओके, दिस इज डेमोक्रेटिक इफेक्ट्स जो दो तरीके के हो सकते हैं। देन इज डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजंस।